नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन अश्वगंधा के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन से जुड़ी हर जानकारी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो अश्वगंधा मेडिसिन होती है इसकी मदर टिंचर फॉर्म ज़्यादा इफेक्टिव होती है कंपैरिजन टू डाइल्यूशन। दोस्तों जो अश्वगंधा मेडिसिन आती है, अगर बात करें इसकी एमआरपी के बारे में, तो दोस्तों 30 ml का मदर टिंचर आता है इसका। जो SBL का आता है वो 100 रुपये का आता है और इसी के लगभग WSI कंपनी का आता है। दोस्तों जो अश्वगंधा मेडिसिन होती है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसको विधानिया सोमिफेरा नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो विधानिया सोमिफेरा नाम है इसका बॉटनिकल नेम है और इसको भारतीय जिनसिंग कहा जाता है। दोस्तों जो अश्वगंधा मेडिसिन होती है इसका जो नाम है अश्वगंधा, वो इसलिए है क्योंकि अगर आप इसके पौधे को छुएंगे या आप उसके पौधे के पास जाएंगे तो आपको ऐसी स्मेल आएगी जैसी घोड़ी में से आती है या जब घोड़ा पेशाब करता है तो जो घोड़े के पेशाब से स्मेल आती है उस प्रकार की स्मेल इसके पौधे में से आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहा जाता है। दोस्तों जो अश्वगंधा मेडिसिन होती है ये भारत में लगभग पिछले 3000 से 6000 साल पहले से इसका इस्तेमाल होता रहा है आयुर्वेद में, और जो इसका होम्योपैथी में इस्तेमाल आ रहा है हो रहा है वो पिछले 100 सालों से हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अश्वगंधा मेडिसिन होती है काफ़ी अच्छी मेडिसिन है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की। अगर किसी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की है बहुत अच्छी मेडिसिन है। और बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में, तो दोस्तों जो अश्वगंधा मेडिसिन होती है अगर किसी को मेंटल वीकनेस की परेशानी है, फिजिकल वीकनेस की परेशानी है, सेक्सुअल वीकनेस की परेशानी है, हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर बात करें जो मेंटल वीकनेस होती है, अगर किसी की जो मेमोरी पावर है वो कम है, याददाश्त कमजोर है, या किसी को मेंटल स्ट्रेस की परेशानी रहती है, मानसिक तनाव की परेशानी रहती है, एंजाइटी की परेशानी रहती है, या किसी को लॉस ऑफ स्लीप की परेशानी है, इंसोम्निया की परेशानी है, किसी को नींद आने की शिकायत है, तो मानसिक कमजोरी को दूर करके नींद लाने की भी है बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। जो दोस्त बात करें फिजिकल वीकनेस के बारे में, तो दोस्तों अगर किसी का जो शरीर है बहुत ज़्यादा कमजोर सा दिखता है या बहुत ज़्यादा कमजोरी सी रहती है, किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो सारी कमजोरी को दूर करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें इसके जो दोस्तों जो सेक्सुअल वीकनेस होती है, अगर किसी को सेक्सुअल वीकनेस की परेशानी है, खासकर किसी की जो टाइम है वो कम है या जो पेनिस है उसमें तनाव की कमी है, या दोस्तों किसी के अंदर शुक्राणु की कमी है, जो स्पर्म काउंट है वो कम है, उसके वजह से अगर पुरुषों में वांछपन की परेशानी है तो पुरुषों के वांछपन को या स्पर्म काउंट को बढ़ाने की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्पर्म काउंट को बढ़ाकर वांछपन की परेशानी को पुरुषों की खत्म करती है। साथ ही अगर बात करें जो महिलाएँ होती हैं उनमें भी अगर किसी में बांझपन की परेशानी है, स्टेबिलिटी की परेशानी है, उसको ठीक करती है। साथ ही महिलाओं में दोस्तों जो पीरियड प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करती है, ल्यूकोरिया की परेशानी है उसको भी ठीक करने का काम करती है। दोस्तों जो विधानिया सोमिफेरा मेडिसिन है या अश्वगंधा मेडिसिन है, अगर किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसको नॉर्मल करती है। साथ ही अगर किसी का जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करती है। या दोस्तों जिन लोगों में हाई ग्लूकोज की समस्या रहती है या जिन लोगों को शुगर की समस्या रहती है, डायबिटीज़ की परेशानी रहती है, तो शुगर को भी कंट्रोल करने का काम जो होता है वो अश्वगंधा मेडिसिन करती है। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले जिसके बारे में, तो दोस्तों जिन लोगों में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, अपच की शिकायत रहती है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, पेट की बहुत सारी बीमारियाँ लगी रहती हैं जैसे गैस का बनना या कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत किसी को रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में, तो दोस्तों अगर किसी को हेयर फॉल की परेशानी है, बाल झड़ने की परेशानी है, बाल काफ़ी समय से झड़ रहे हैं, बहुत सारी दवाइयों को इस्तेमाल करने के बाद भी जो आपके बाल हैं वे झड़ते ही जा रहे हैं, तो बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में, तो दोस्तों अगर किसी को प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की परेशानी है, बाल ऐसे में ही सफ़ेद हो रहे हैं, तो बालों को सफ़ेद होने से रोकने के लिए और बालों को काला बनाने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करें इसके अगले इसके बारे में, तो दोस्तों अगर कोई जवानी में ही बुढ़ापा अगर किसी पर आ गया है, 30 की उम्र में ही ऐसा लगने लगता है कि 50 की उम्र है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं, तो ऐसे केस में भी आप इस मेडिसिन का
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ यूजेस थे जिन जिन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, तो दोस्तों इसकी जो डोज है वो 20 बूंदे सुबह, 20 बूंदे दोपहर और 20 बूंदे शाम, दिन में 3 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को मेंटल वीकनेस की परेशानी है, सेक्सुअल वीकनेस की परेशानी है, फिजिकल वीकनेस की परेशानी है, आपको या आपके परिवार में किसी को या आपके दोस्तों में किसी को है, आपके रिलेशन में किसी को है, तो आप उनके लिए इस मेडिसिन का सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।